हेलो आई हसन टू स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स समझ रहे हम लोग, तो आज की क्लास में हम समझेंगे वो सेम वही क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू है, जिसका पार्ट नंबर 2 समझेंगे। 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 समझेंगे। पार्ट नंबर 1 प्रीवियस क्लास में समझा था, पार्ट नंबर 2 समझते, ठीक है। तो अब देखिए, पार्ट नंबर 1 आपको अगर ज़हन में है तो पार्ट नंबर 2 में सीरीज डिफरेंट है। पार्ट नंबर 1 में जो सीरीज थी वो पॉइंट्स में थी, अब यहाँ पर ये सीरीज पॉइंट में नहीं है, तो सॉल्व करने का क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करें, सही है? तो गौर से समझिएगा, फुली कंसंट्रेशन से समझिए, बैठे कॉपी पेन रखें, नोट भी करते जाए एंड गौर से समझिए ताकि समझ में आ जाए आपको कैसे होगा, क्लियर है? तो आइए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो गिवन है इसमें ये सीरीज इसका सम फाइंड करना है, तो कह रहा हूं देयरफॉर सम ऑफ सीरीज 6 प्लस 6 6 6 6 6 प्लस डॉट 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 सो ऑन। अब ये जो गिवन है सीरीज, ये सीरीज ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मींस कॉमन डिफरेंस सम नहीं है, ज्योमेट्रिक मींस कॉमन रेशियो सक्सेसिव टर्म्स में नहीं है, अब देखकर ही डिसाइड कर सकते। तो क्या करेंगे हम इनको, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, किसी पर्टिकुलर सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए इज इक्वल टू कंप्लीट सीरीज का 6 को कॉमन लें तो से 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, सही कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 9 टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो भी सीरीज के 9 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक सेम वही स्टेप जो प्रीवियस सीरीज में समझा। तो गौर से समझिए स्टेप्स मेंस दिस इज एन है आप जिका, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, अब ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट दैट्स 17, क्लियर जी, ठीक है। So, SN is equal to 6 divided by 9, bracket में 6 divided by 9, ये जो 9 multiply कर रहा हूँ, 9, 11, 9 is 99, 9, 9, 9 plus dot, 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 so on, clear ये सब step समझ में आया, 6 divided by 9, same, ये 9 multiply हुआ bracket में, सही है, अब देखें, SN is equal to, दोनों को 3 का double लग सकता है, 3 to the 6, 3 to the 9, आप इसमें 9 को हम सिंपली 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, मींस 9, 99 को 100 माइनस 1 मींस 99, ठीक, प्लस ये है 9, 1000 माइनस 1 सेम रहेगा प्लस डॉट डॉट सो ऑन, आई बस समझ में क्लियर है, ठीक है। क्यों किया है, बात तो है 9 को मींस 10 माइनस 1 लिखे आंसर तो 9 ही रहेगा, इस टाइप पे लिखने का रीजन ये है कि एक हमें पर्टिकुलर सीरीज मिलेगी जो सॉल्वेबल होगी, ठीक है। सो देखिए SN is equal to 2 divided by 3 ब्रैकेट में सेपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर अलग करेंगे नेगेटिव नंबर अलग करेंगे, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 सीरीज सेपरेट की, सेकंड वन नेगेटिव नंबर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये क्या मतलब है, जो नेगेटिव नंबर वो रिपीटेड है सेम वही 111 है, क्लियर, ये स्टेप आया समझ में, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए गौर से समझिए, ऐसे नजदीक का सो 2 डिवाइडेड बाय 3, अब ये जो सीरीज है सीरीज पे हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं, सेपरेट कर रहे हैं फिलहाल, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट सेम माइनस, अगर कॉमन ले सीरीज में से तो हर टर्म के साथ माइनस है कॉमन ले सकते हैं, तो सारे टर्म प्लस में हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म है कोई लिमिट नहीं, अब टू एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में SN is equal to 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 10 100 1000 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन माइनस, अब प्लस 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 सेम नंबर रिपीटेड है प्लस होता जा रहा है, कितने नंबर हैं कितने टर्म्स हैं, 2 n टर्म्स, तो इनका सम जो होगा n होगा,
क्वेश्चन नंबर वन ला कर रहे हैं, क्यों? ये सिंपल है, सेम डिजिट रिपीटेड है, सीरीज इनफाइनाइट है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इनका सम जो होगा वो एन। अगर डिफरेंट जैसे ये डिजिट्स हैं तो ये इसका सम बाय डिफॉल्ट नहीं लिख सकते, इनका सीरीज है, सॉल्व करेंगे। ये सेम नंबर है इसलिए इसका सम लिखते हैं डायरेक्ट। क्लियर? यहां तक समझ में आए? सेम वही स्टेप से जो प्रीवियस सीरीज प्रीवियस क्लास में समझी हुई है। अब क्या करेंगे, इस सीरीज को टेक आउट करेंगे। सही है? सो देखें, नाउ वी फाइंड सम ऑफ, किसका फाइंड करेंगे सम, 10, 100, 1000 डॉलर्स। इस सीरीज को टेक आउट किया, अलग से सम करें, ठीक। तो सीरीज में देखिए सम फाइंड करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म दैट इज 10, फर्स्ट टर्म ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ए इज फर्स्ट टर्म, देन आर इज कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो सेम मिलेगा, बिकॉज़ इट्स अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा आपके सामने, 10 to 190 का डिफरेंस, 100 to 1900 का डिफरेंस है, मींस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो कॉमन रेशियो सेकंड टर्म इज 1000 डिवाइडेड बाय 10 मींस आंसर मिलेगा 10। सही, द डेट इज ग्रेटर देन 1, 10 इज ग्रेटर देन 1, सही। तो ग्रेटर देन 1 तो आप इसके हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे सम फाइंड करने का, Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, इफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन सम फाइंड करने का फार्मूला ये यूज किया जाएगा। क्लियर? ये स्टेप समझ में आया? ठीक, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 तो उसका फार्मूला भी डिफरेंट है। ठीक, तो आप देखें Sn इज इक्वल टू a की जगह पे 10, r की जगह पे 10 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए अंदर फॉर्मूला में a एंड r की, सो सम इज इक्वल्स टू 10 पावर n माइनस 1 होल अपॉन में 10 में 1 माइनस करेंगे 9। क्लियर है? सो फाइनली समेशन इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में 10 पावर n माइनस 1 रिमेंस, एंड ये है सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज जो इसका सम आपके सामने है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 1 से सीरीज को टेक आउट किया, सेपरेटली इसका सम फाइंड किया। अब क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे, उसमें क्या करते हैं देखिएगा। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 जो है Sn इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट स्टार्ट 10 100 1000 प्लस डॉट माइनस n इक्वल ब्रैकेट ओवर, ये है इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने वापस लिखी है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है। Sn is equal to 2 divided by 3 ब्रैकेट स्टार्ट, अब जो सीरीज है इसका सम, सीरीज का सम हमने सेपरेटली ये सॉल्व कर चुके हैं, सम ऑफ द सीरीज सेपरेटली सॉल्व किया, तो सीरीज का सम क्या मिला, ये है सीरीज का सम जो आपके सामने है, हमने समझा फार्मूला यूज करके कैलकुलेट किया। सही है? तो इस सीरीज पे इसका सम जो भी मिला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि फाइनली सम चाहिए टोटल, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 9 ब्रेकेट में 10 पावर एन माइनस 1 इज द सम ऑफ द सीरीज माइनस n सेम है ब्रेकेट ओवर, तो फाइनली ये है आंसर। इसको आप मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई टर्म प्लस हो सकता है, ना कोई टर्म माइनस हो सकता है, ना कोई टर्म डिवाइड हो सकता है, तो लीव इट, इसको छोड़ दें आप। आई बात समझ में? क्लियर है? सेम वही स्टेप्स फॉलो किए जो प्रीवियस क्लास में हमने समझाए, एंड सेम इस टाइप की सीरीज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में समझी। ठीक है, तो पहले इस टाइप की सीरीज को आप गौर से प्रैक्टिस करें, समझें, देखें, एंड देन प्रैक्टिस करें अगेन अगेन, ताकि आपको स्टेप्स जहन में चीजें, तो आप इसके स्टेप्स कैसे सॉल्व होगा वो आपको चीज समझ में आ जाएगी, वो चीज आपको समझ जा पाएगी जब आप पहले समझेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगी, या सिंपली समझने देखने से समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स में जस्ट लाइक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना ही आपको, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग, समझ में नहीं आएगी।
से दो प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज आपको समझ में आए। इसकी प्रैक्टिस डेली बेस पे रखें, आज प्रैक्टिस की आज छोड़ दें, एक हफ्ते के बाद दोबारा करेंगे, नो, डेली बेस पे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको वो चीज समझ में आए। जैसे खाना खा रहे, डेली खाना खाते हैं अपने टाइम पे, खाना खा रहे उसको भूलते नहीं, अगर एक टाइम खाना नहीं खाया तो आपको महसूस होता है ये चीज मुझे जरूरत है, नहीं है, सही है, मींस वो डेली बेस पे आपकी प्रैक्टिस है। तो मैथमेटिक्स भी आपको डेली बेस पे एक रूटीन बनाने प्रैक्टिस करनी है तो उस टाइम सेट करें, इस टाइम पे मुझे चाहिए आधा घंटा दें या एक घंटा दें, टाइम जरूर दें, रूटीन बनाएं हर सब्जेक्ट की, टाइम सेट करें, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट टाइम जरूर दें, डेली बेस पे प्रैक्टिस कराएंगे, करेंगे आप तो वो चीज बिल्कुल आपको समझ में आएगी, कभी भी नहीं भूलेंगे, सही है। तो ये चीज आप अपने अमन में लाएं ताकि हर चीज समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप फाइनली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।